हार गया लेकिन खुद से जीत गया। ठीक उसी क्रम में शुरू करते हैं एक आज मोटिवेशन कहानी। चलिए, हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर हरीश थक गया था, वह रुक गया था। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा। उठने के बाद लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। ठीक उसी प्रकार जिंदगी में जब चुनौतियां आती हैं तो आपको उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको फेस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं।